नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ इलाके में काकूर टेकमोला परोदी के जंगलों में 30 अप्रैल को पुलिस ने 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया था। मारे गए नक्सलियों में 3 महिला और 7 पुरुष शामिल हैं, जिसके बाद सभी के शव को पहचान के लिए मुख्यालय लाया गया, जहां पुलिस ने मारे गए 10 नक्सलियों में 8 नक्सलियों की पहचान करते हुए उनके फोटो भी लिए। मुठभेड़ स्थल की सर्चिंग के दौरान जवानों ने एक AK-47, एक इंसास राइफल सहित भारी मात्रा में हथियार एवं गोला बारूद जब्त किया। बस्तर IG P सुंदरराज ने कहा कि हमें सूचना मिली थी कि नारायणपुर के अबूझमाड़ इलाके में प्रतिबंधित संगठन CPIM के सदस्य मौजूद हैं। ऑपरेशन के बाद 10 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं, जिनमें 3 महिलाएं शामिल है। नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र थाना सोनपुर अंतर्गत काकुर और टेकपेट इलाके में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी माओवादी संगठन के सीनियर माओवादी उपस्थिति की आसूचना पर कल जिला नारायणपुर का DRG बल और SDF का बल अभियान के दौरान मुठभेड़ हुई। सुबह 6 बजे से लेकर अनेक बार मुठभेड़ हुई। उसके पश्चात कुल 10 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर की गई थी। उनमें से 3 महिला माओवादी कैडर्स का भी है। उनका शिनाख्ती प्राथमिक तौर पर की गई है। उनमें से 4 माओवादी कैडर छत्तीसगढ़ प्रदेश से बाहर, 3 तेलंगाना का और 1 महाराष्ट्र का है। उनका शिनाख्ती इस प्रकार की हुई। एक दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी का सीनियर कैडर जोगन्ना, दूसरा डिविजनल कमेटी मेंबर अशोक उर्फ विलय, तीसरा डिविजनल कमेटी मेंबर मल्लेश और एरी कमेटी मेंबर संगीता और इस प्रकार के अनेक सीनियर माओवादी कैडर का शिनाख्ती हुई थी। इसमें एरी कमेटी मेंबर संगीता महाराष्ट्र गढ़चिरौली की रहने वाली है और DKZC मेंबर जोगन्ना के वाइफ के रूप में शिनाख्ती हुआ और 3 माओवादी कैडर है जोगन्ना, अशोक और एक सुष्मिता। ये तीनों कैडर्स तेलंगाना के रहने वाला। इस प्रकार इस अभियान में कुल 4 जो बाहर के जो माओवादी कैडर्स का डेड बॉडी रिकॉर्ड की गई थी और वेपन के हिसाब से देखा जाएगा एक AK-47, एक इंसास और काफी बड़ी मात्रा में 315 और अन्य मजर लोडिंग वेपन्स भी रिकॉर्ड किए गए थे। सर, कितने नक्सली मौके पर रहे होंगे और जो सुरक्षा बल के जवान हैं उनको इन एरिया में जाने में किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि जंगल का एरिया है, गर्मी का मौसम है। जहाँ पर मुठभेड़ हुई भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से काफी कठिन इलाका है, जैसा अबूझमाड़ क्षेत्र काफी एक टेरेन भी काफी कठिन रहते हैं और जैसे घना जंगल का इलाका और 3 जिला का सीमावर्ती क्षेत्र भी जिला नारायणपुर, कांकर और गढ़चिरौली का। काफी चुनौती के बावजूद DRG नारायणपुर SDF कबल द्वारा अभियान को बहुत बेहतर समन्वय के साथ संबोधन किए गए थे। साथ साथ ITV और BSF का भी काफी एक सपोर्टिंग भूमिका रहा इस अभियान में। इस प्रकार का जो कल का अभियान में काफी अच्छा रणनीति रहा सुरक्षा बल का, जिसके परिणाम हमको 10 माओवादी की डेड बॉडी भी रिकॉर्ड करना संभव हो पाए थे और काफी बड़ी मात्रा में वेपन्स का भी रिकॉर्ड कर पाए थे। जिस प्रकार से लगातार नए नए पुलिस के हम स्थापित किए जा रहे हैं, तो इससे क्या आगामी समय में जल्दी ये क्षेत्र नक्सल मुक्त हो सकेगा और विकास कार्य डेवलपमेंट वर्क में तेजी आएगी? हमारा एक उद्देश्य है बस्तर संभाग के अंतर्गत माओवादी गतिविधि को समाप्त करते हुए क्षेत्र की जनता के मनसानुरूप विकास कार्य को आगे ले जाने का हमारा एक प्रमुख उद्देश्य है। उस उद्देश्य के अनुरूप विगत दिनों में काफी बड़ी संख्या में कैंप्स भी स्थापित किए थे। खासतौर पर नारायणपुर का बात करेगा अबूझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत मसपुर, इरक भट्टी, कसूरमेटा जैसा प्रमुख कैंप्स भी स्थापित किए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप काफी अच्छी परिणाम हमको देखने मिल रहे थे। जैसे क्षेत्र में मूलभूत सुविधा से भी क्षेत्र की जनता लाभान्वित हो रहे थे और अभियान का भी हमको काफी अच्छा अनुकूल एक वातावरण निर्मित हो रहा है और आने वाले समय में हमारी कोशिश रहेगा क्षेत्र की जनता मंशानुरूप इलाके में नक्सल गतिविधि को समाप्त करते हुए विकास कार्य को गति प्रदाय करना हमारा एक उद्देश्य होगा।